करत असताना रोहित लाड ज्याने कालच्या दिवसामध्ये अतिशय अप्रतिम असा खेळ सादर करत असताना आपल्या संघाला तो सेमीफायनल पर्यंत देखील घेऊन जाण्यामध्ये यशस्वी ठरला. तो रोहित लाड इथे चढाई मार्गवरती सजीव होईल. उजव्या कोपऱ्यामध्ये विपुल शिंदे सारखा एक सर्वोत्तम डिफेंडर देखील पाल भेटतोय. त्याचबरोबर राईट इन ओजस खेडेकर ज्याची चढाई कालच्या दिवसामध्ये सर्वोत्तम आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे. त्याचबरोबर रेडमध्ये देखील अतिशय चांगली कामगिरी आपल्या सिमामाता साधुरे संघाकडे देखील पाहायला भेटू शकते. तर त्याचबरोबर जर आपण भैरवनाथ मुरुड संघाचा जर विचार केला तर तो देखील डिफेंडिंग चॅम्पियन म्हणून देखील ओळखला जातो. विपुल सुर्वे आपण जर पाहिलं तर सिमामाता साधुरे संघाकडनं पहिली चढाई करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. ओजस खेडेकर सारखा एक सर्वोत्तम रेडर त्या संघामध्ये देखील आपल्याला पाहायला भेटेल. परंतु पहिल्या चढाईला सामोरे जाताना विपुल सुर्वे आहे डिफेन्सिव्ह खेळ त्याच्याकडनं या पहिल्या चढाईमध्ये आपल्याला बाल भेटतोय. सात काढू डिफेन्स मार्क वरती आणि अशा मोमेंटला थोडस सावध पवित्रा नक्कीच घेतला गेलाय विपुल सुर्वे याच्याकडून. त्यानंतर मात्र पलटवार असेल. रोहित लाड बॅक टू बॅक पुन्हा एकदा सज्ज होताना. दोन्ही संघांसाठी सामना फार महत्वाचा आहे कारण जो जिंकेल तो फायनल साठी क्वालिफाय होईल. या स्पर्धेमधल्या प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रक्कम ₹11,000 आणि त्या पारितोषिकाचा मानकरी कोण ठरणार आहे. या चालू पर्वाचा हा शेवटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला भेटते आणि त्यानंतर मात्र पुढच्या पर्वामध्ये आपल्याला पाळंदेच्या ऐतिहासिक मैदानापासून पुन्हा एकदा सुरुवात होताना पाहायला मिळेल. परंतु या स्पर्धेमध्ये जर आपण बघितलं तर प्रत्येक संघ शेवट गोड करण्याच्या संकल्पनेने दाखल झालाय. ओजस खेडेकर यावेळेला सज्ज होईल. उंच बुरा खेळाडू आहे. ओजस खेडेकरला इथे रोखलं गेलंय. दॅट्स अ मॅग्निफिसंट डिफेन्स. एकमेका सहाय्य करू उघे धरू सुपंत याचा परिचय दिला गेलाय मुरुड संघाच्या माध्यमातून. ओजस खेडेकरला बॅटमॅनच्या पाठीमध्ये पाठवलंय. तर त्याच वेळेला थर्ड रेड वरती वाटचाल करेल मुरुडचा संघ. सातत्यानं पहिल्या दोन रेड रोहित लाड यांनी केल्या एमटी राहिल्या आणि त्यानंतर मात्र तिसरी चढाई फार महत्वाची असेल. यावेळेला जर पॉईंट मिळाला नाही तर रेडरला जावं लागेल बॅकलाईनच्या पाठीमागे. परंतु सर्वोत्तम डिफेन्स पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. डिफेंडिंग चॅम्पियन सीमामाता साधुरे. तर मग या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद घेताना दापोली तालुक्याचे पंच समीरजी शेवडे सर देखील उपस्थित आहेत. सर विनंती आहे आपल्याला की आपण पंच पॅनलमध्ये जॉईन व्हायचंय. समीरजी शेवडे आपल्याला विनंती असेल. तर त्याच वेळेला ओजस खेडेकर तयार होत असताना मागच्या चढाईवरती त्याला सुरेख टॅकल देखील केलं गेलं. परंतु यावेळेला तो सेफ गेम खेळण्याचा प्रयत्न करेल कारण जेवढा वेळ ओजस खेडेकर कोर्टमध्ये असेल मैदानामध्ये असेल त्याच्या संघासाठी जी जमेची बाजू असते ते प्रतिस्पर्धी संघासाठी फायद्याची गोष्ट देखील राहिली आहे. त्याच्यामुळे कुठे ना कुठे मुरुड संघाचं मानस असेल की ओजसला जास्तीत जास्त वेळ ऑफकोर्ट ठेवायचं बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवायचं आणि या मॅचमध्ये एक लीड प्राप्त करायचा मनसुबा आहे. परंतु त्याच्यामध्ये ती यशस्वी ठरतील का हे देखील बघणं फार इंटरेस्टिंग असेल. उजव्या कोपऱ्यामध्ये विपुल सुर्वेच्या दिशेने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न रोहित लाड पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. या पर्वामध्ये बाबू बटावडे आपल्याला फार खेळताना पाहायला मिळाला नाही मुरुड संघापासून करता आणि त्यानंतर देखील अतिशय जबरदस्त असा खेळ जर आपण पाहिलाय तो मुरुड संघाच्या माध्यमातून देखील सातत्यानं इम्प्रुव्हमेंट या संघाकडनं देखील आपल्याला बघायला भेटते. सुजित बटावडे जो की राईट कॉर्नरला आहे सर्वोत्तम डिफेंडर्स म्हणून देखील तो ओळखला जातो. आपण जर पाहिलं तर बाबू आहेत संदेश हेद्रे आहेत असे अनेक चांगले चांगले खेळाडू तुम्हाला पाहायला भेटू शकतात ते खऱ्या अर्थानं मुरुड संघाच्या प्रांगणामध्ये. तर त्याच वेळेला शांत कुल खेळाडू म्हणजे रोहित लाड जो चढाई मार्गवरती सज्ज होतोय. उजव्या कोपऱ्यामध्ये सातत्यानं खेळायला सुरुवात केली जाते. विपुल सुर्वेच्या दिशेने आक्रमण परंतु तो देखील अतिशय चांगला थर्ड फार मोठा धोका संभव करण्याची दक्षता घेतली आणि त्यानंतर ओजस खेडेकर तिसऱ्या चढाईला सामोरा जातोय. सहा खेळाडूंचा डिफेन्स परंतु यशस्वी ठरला. मिड लाईन क्रॉस केले तब्बल दोन खेळाडू बॅकलाईनच्या पाठीमागे आणि दोन्हीच्या दोन्ही महत्वाचे खेळाडू या वेळेला ऑफकोर्ट झालेले आहेत. थर्ड रेड थर्ड रेड जिथे मुरुडचा संघ थर्ड रेड वरती खेळताना देखील पाहायला भेटेल. यावेळेला चढाईपट्टूसाठी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गुणाची कमाई करणं अनिवार्य आहे अन्यथा खेळाडूला ऑफकट व्हावं लागेल. तर त्याच वेळेला उजव्या कोपऱ्यामध्ये विपुल सुर्वे ज्याच्या दिशेने सातत्यानं आक्रमण करण्याचा पवित्रा घेतला जातोय मुरुड संघाकडनं. जो सर्वोत्तम डिफेंडर आहे त्याला बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवायचा हा पवित्रा. परंतु आपण बघितलं लेफ्ट कॉर्नरचा जो डिफेंडर्स आहे किंवा लेफ्ट कव्हरचे जे डिफेंडर्स आहेत आवाज मारला
दरम्यान त्याच वेळेला ओजस कडेकर पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना चढाईसाठी सुपर टॅकलचा धोका आहे. तीन खेळाडू आपल्याला डिफेन्स करताना देखील पाहायला भेटत आहेत. आणि यावेळेला ओजस कडेकरला जर पकडलं गेलं तर सुपर टॅकल होईल, परंतु इथे दोन खेळाडू सन्दर्भात झालेले आहेत. तब्बल दोन खेळाडूंना बॅकलाईनच्या पाठीमागे पाठवत ओजस केडेकरने पुन्हा एकदा आपल्या बहारदार खेळाचं प्रात्यक्षिक दाखवायला सुरुवात केली आहे. वन मॅन आर्मी हे चित्र सातत्यानं ओजस कडनं आपण बघितलेलं आहे आणि या मॅच मध्ये देखील त्याची झलक आपल्याला सातत्यानं पाहायला भेटते. हा खेळाडू जेवढा वेळ मैदानामध्ये असेल हा खेळाडू म्हणजे खऱ्यातनं सीमा माता साधुरे संघाचा स्पिरिट आहे. हा खेळाडू म्हणजे एक प्रकारचं नवं चैतन्य आपल्याला पाहायला भेटतं आणि याच खेळाडूकडनं सातत्यानं ऊर्जा देखील घेतली जाते त्या अनेक खेळाडूंसाठी. परंतु त्याच वेळेला एक मात्र जो खेळाडू शिल्लक राहिला तो देखील ऑलआउट झाला आहे. आतमध्ये जिथे ऑलआउट झाल्यानंतर संपूर्ण चमू आहे तो मैदानामध्ये दाखल झालेला आहे. ऑलआउट का मतलब ऑल इन होत आहे. फिर एक मरतबा तमाम खिलाड़ी सातों के सातों खिलाड़ी इस समय नई उम्मीद और जोश के साथ मैदान के अंदर उनका कमबैक होता है. विपुल सुबह इस समय रेड करेंगे राइट कॉर्नर पर जहां पर सुजीत बटावड़े एक बेहतरीन डिफेंडर्स के तौर पर सामने उभरते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है. विपुल सुबह इस समय रेड करने के लिए तैयार है. राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर तक का सफर देखे मोमेंटम का इस्तेमाल करना चाहते थे. इस समय कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली. एम्प्टी रेड का समापन होता हुआ और अब जवाबी आक्रमण करने के लिए रोहित लाड़ मैन फ्रॉम मुरूड, ये मुरूड से बिलोंग करते हैं. आज वनन के ऐतिहासिक मैदान पर मुरूड टीम के लिए उन्हें डू ऑर डाई जैसा खेल दिखाने की आवश्यकता है. लगातार कोशिश करनी चाहिए और यहाँ पर देखिए टच पॉइंट नहीं मिला लेकिन बोनस के साथ यहाँ पर पॉइंट टेबल पर एक पॉइंट का हिसाब मुरूड के खाते में होता हुआ. तो कहीं ना कहीं ये सोच होनी चाहिए, ये रणनीति होनी चाहिए. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. समोर जे कार्यकर्ते उभे आहेत तुला उभे आहेत आपल्याला वारंवार विनंती करतो की आपण कृपया खाली बसून घ्यावं, अन्यथा त्या ठिकाणी चेहरा आणून त्या ठिकाणी बसून घ्यावं. फिलहाल यहाँ पर खचाखच भरा हुआ स्टेडियम आर्यन करदेकर इस समय मौजूद है रेड करने के लिए. हाल ही में जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का जो चम्मू गया था टीम गई थी कुमारगढ़ का टूर्नामेंट खेलने के लिए पुणे के बालीवाड़ी मैदान में, वहां पर उन्होंने रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व किया था आर्यन करदेकर, जिन्होंने अभी अभी अपने रेड समाप्त किया अपने कोर्ट में चले गए और जवाबी आक्रमण देने के लिए इस समय मुरूड की तरफ से रोहित लाड़ दोबारा तैयार होते हुए. इसके पहले रेड में उन्होंने बोनस पॉइंट हासिल किया था लेकिन इस बार थोड़े से अनुशासन के साथ खेलने का उनका मकसद. थर्ड रेड, अब थर्ड रेड होगी यानी कि डू ऑर डाई रेड पर सबसे स्पेशल खिलाड़ी को भेजा है. नाम है ओजस खेड़ेकर. काम है अच्छे अच्छे डिफेंडर्स को चक्का देना और बड़ी आसानी के साथ पॉइंट मुकम्मल करना. इस खिलाड़ी के पास गति है, इस खिलाड़ी के पास ताकत है और नजाकत है लेकिन इस बार क्या रोका है. ऐसे एब्सोल्युटली दैट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन टैकल और कॉम्बिनेशन टैकल के तहत अपोजिट टीम का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था उसको इस समय रोका है. जितने समय तक ओजस खेड़ेकर बैकलाइन के बाहर रहेंगे मुझे लगता है इस मुकाबले में कमबैक करने का अच्छा खासा मौका मुरूड के पास आ चुका है. लेकिन अगर मौके का फायदा उठाते हुए वो चौका लगा पाएंगे तो यस एब्सोल्युटली यकीनन पहले आप में उसकी टीम कमबैक कर सकती है. रोहित लाड़ को संभाल कर खेलने की आवश्यकता है क्योंकि एकमात्र स्टार रेडर उसकी टीम के अंदर. तो दूसरी तरफ जहां तक सवाल है विपुल सुबे जैसा बेहतरीन रेडर है, साथ ही साथ आर्यन करदेकर बीच बीच में एज ए रेडर की जिम्मेदारी भी बखूबी संभालते हैं. तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो रोहित पर ज्यादा डिपेंड रहती है मुरूड की टीम एज ए रेडर के तौर पर. लेकिन इस समय खिलाड़ी को भेजा है जबकि मालूम था मुरूड की टीम को ये डू ऑर डाई रेड है यानी कि डू ऑर डाई स्पेशलिस्ट 12 नंबर के खिलाड़ी इस समय रेड करने के लिए तैयार है. अगर यहाँ पर इस समय रेडर को आउट किया जाएगा तो शायद कमबैक हो सकता है. जो एकमात्र खिलाड़ी इस समय ओजस खेड़ेकर बैकलाइन के बाहर है उनका कमबैक हो सकता है लेकिन नहीं, और एक डिफेंडर्स को बैकलाइन के बाहर जाना पड़ेगा. 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ने शिकार किया है 2 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी का, यानी कि एक पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में हल्का सा परिवर्तन होता हुआ आर्यन करदेकर. जी हाँ दोस्तों, छोटे कद का खिलाड़ी है, भले ही कद छोटा हो लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका जरूर बन सकते है. ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है.
जो विपरीत परिस्थिति में खड़ा होता है वही बड़ा होता है। थोड़ी सी नाजुक स्थिति जरूर है, सीमा माता सालदूरी की तरफ अगर देखा जाए तो उनके जो प्रमुख ब्रह्मास्त्र खिलाड़ी है ओजस खेड़ेकर वह इस समय बैकलाइन के बाहर है। अगर उन्हें रिवाइवल करना था तो यहाँ पर टच पॉइंट लेना था, पॉइंट नहीं मिला, एम्प्टी नेट की सामना हुई और अब पलटवार करने के लिए। जी हाँ, देखिए रोहित लाड इस समय तैयार होते हुए अपने टीम के हित को देखते हुए रोहित को आज चलना पड़ेगा। अगर खेल के माध्यम से बोलोगे तो पूरा क्राउड आपकी तारीफ करेगा। आज सराहनीय खेल आपके द्वारा देखने की आवश्यकता है। विपुल सुरवे की तरफ काफी तेजी के साथ आक्रमण करने की सोच थी लेकिन महज पांच खिलाड़ियों का डिफेंस है और जब पांच या चार खिलाड़ी या उनमें से कम खिलाड़ी डिफेंस पर होते हैं थोड़ा सा बिखरा बिखरा होता है तो ऐसे मोमेंट पर टच पॉइंट लेना इतना आसान नहीं होता। आप देखिए सालदूरे की टीम थर्ड रेड पर होगी यानी कि डू ऑर डाई रेड है। यहाँ पर रेडर को रिस्क लेने की आवश्यकता है, डिफेंडर्स को जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल करेंगे लेकिन यहाँ पर देखिए नजर हटी दुर्घटना घटी। बोनस का एफर्ट करना चाहते थे, पैर बिल्कुल लेकर गए थे बोनस लाइन की तरफ लेकिन उसी मोमेंट पर शानदार एंकल होल्ड और बाद में देखा जाए तो सामने से सपोर्टर ने आकर ब्लॉक किया था, पॉइंट का इजाफा हुआ और जो मुरुड की टीम पहले हाफ में शुरुआत के कुछ मिनट के अंदर पिछड़ रही थी वो तकरीबन इस समय कमबैक कर चुकी है। रोहित लाड इस समय फोर्स का इस्तेमाल करते हुए आर्यन कर्देकर की तरफ काफी तेजी के साथ जाते हुए रनिंग हैंड टच करने का प्रयास भी किया था रोहित लाड ने लेकिन इस बार क्या कामयाबी मिलने वाली है बिल्कुल नहीं। ये टिक टिक शुरू हो चुकी है और जब जब टिक टिक की आवाज आती है तो कहीं ना कहीं रेडर के मन में ये सवाल आता है कि चलो लौटने का समय हो चुका है, हमें जाना पड़ेगा अपने कोर्ट में। पर वही माहौल देखने को मिला, अब पलटवार आर्यन कर्देकर करेंगे, छोटा तीर वार करे गंभीर नाम है। जी हाँ दोस्तों, आर्यन को संभाल कर खेलने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर टच पॉइंट मिलेगा तो ओजस खेड़ेकर का कमबैक हो जाएगा लेकिन जितने समय तक ओजस बैकलाइन के बाहर होंगे ये फायदे वाली बात हो सकती है। कहीं ना कहीं मुरुड की टीम को क्या सोच होगी, क्या रणनीति होगी। पहले हाफ का खेल जारी है, इसके पहले जो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला हमने देखा था महज दो पॉइंट से पराजित किया जहाँ पर मुरुड की टीम यहाँ पर थर्ड रेड पर खेलेगी यानी कि हर आम में पॉइंट चाहिए। पिछली बार जब गए थे तो पॉइंट लेकर आए थे लेकिन इस बार नहीं बख्शे जाएंगे। क्या शानदार डिफेंस है, पहला एफर्ट किया था लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर्स आर्यन कर्देकर ने, बाद में अन्य डिफेंडर्स ने आकर शानदार ब्लॉक किया, सपोर्ट दिया और इस तरह से ओजस खेड़ेकर का कमबैक हो चुका है। और आते आते रेड का जिम्मा संभालने की जो जिम्मेदारी इस समय ओजस खेड़ेकर के ऊपर की है लेकिन ओजस खेड़ेकर ने लंबे कद का इस्तेमाल किया, लॉबी का यहाँ पर इस्तेमाल किया, मतलब श्योर होंगे कि हमें पॉइंट मिला है। क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस एक ऐसी शक्ति होती है जो हरा हुआ मुकाबला जीतकर देती है लेकिन और कॉन्फिडेंस ऐसी बुरी वाला होती है जो जीतने वाला मुकाबला हार की तरफ लेकर जाती है। कहीं ना कहीं ये पहला हाफ काफी इम्पोर्टेंट है दोनों भी टीमों के लिए, हर कोई टीम पहले हाफ में लीड हासिल करने का प्रयास करेगी। वन मैन आर्मी रोहित लाड लगातार बार बार हर बार शायद कामयाब नहीं हो रहे हैं लेकिन अगर यहाँ पर ये खिलाड़ी चलेगा तो यकीनन मजा आने वाला है इस मुकाबले के अंदर। दोस्तों रोहित को चलना पड़ेगा, जुबान के माध्यम से बोलोगे तो चंद लोग सुन पाते, चलो खेल के जरिए बोलो पूरा स्टेडियम सुन पाता है तो कहीं ना कहीं खेल के जरिए बोलने की आवश्यकता। विपुल सुरवे अपना जो लेफ्ट हैंड है बाया हाथ है वो कहीं ना कहीं आगे करते हुए टच करने के प्रयास में देखने को मिलते हुए टिक टिक बज रही है। सुजीत पटावड़े की तरफ से यहाँ पर आक्रमण करने की सोच थी लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे 30 सेकंड का इस्तेमाल किया एक एम्प्टी रेड की समापन होता हुआ अपने कोर्ट में चले गए और अब जवाब आक्रमण करने के लिए रोहित लाड अपने टीम के हित को देखते हुए आज रोहित को चलना पड़ेगा। पहले आपका खेल जारी है, पहला सेमीफाइनल का मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग देखा था, शायद दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला उससे भी बेटर हो सकता है। यहाँ पर देखिए रोहित ने आरंभ की थी अपने रेड राइट कॉर्नर की तरफ से और शायद रेड का जो समापन लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से करते हैं लेकिन इस समय देखा जाए तो आर्यन कर्देकर ने डिस्कस की विपुल सुरवे के साथ किस तरह से खेल खेलना चाहिए इस रेड के अंदर और बाद में विपुल ने रेड आरंभ की है। पांच खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद है, दो खिलाड़ी अभी भी बैकलाइन के बाहर है। मुरुड की टीम का जहां तक सवाल है दोनों के दोनों खिलाड़ियों को अगर रिवाइवल करना है
मैदान में लाना है तो या तो डिफेंस में पॉइंट चाहिए या तो रेड में पॉइंट चाहिए। क्या पॉइंट मिलने वाला है? क्या विपुल सुबह यहाँ पर रिस्क देने वाले है? अगर रिस्क करोगे तो कामयाब नहीं हो जाओगे, रिस्क लोगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि रिस्क लेने से या तो बिखर जाओगे या तो निखर जाओगे। अगर आज निखरना है तो रिस्क। विद्यमान अध्यक्ष यांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावर यावं। अध्यक्ष सचिव आणि खजिनदार महिला मंडळ वणंदर आपल्याला विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावर यावं। आपली आसन व्यवस्था आपण या ठिकाणी केली आहे, कृपया आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हावं। ओके धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर स्वागत है दोबारा सेकंड हाफ के खेल में, जहाँ पर रोहित तैयार होते हुए रेड करने के लिए। पहले हाफ में तकरीबन छह पॉइंट से पिछड़ रही थी मुरुड़ की टीम, लेकिन क्या दूसरे हाफ में वो टीम कमबैक करने वाली है। इस समय रेड आरंभ करते हुए आर्यन कर देकर पांच खिलाड़ियों का इस समय डिफेंस है। डिफेंस को भेदना इतना आसान नहीं हो सकता क्योंकि बिखरा डिफेंस है, और जब डिफेंस बिखरा हुआ होता है तो टच पॉइंट लेना इतना आमतौर पर आसान नहीं होता। राइट कॉर्नर पर जहां पर देखा जाए तो सुजीत बटावड़े मौजूद है, कल उनका सम्मान हुआ था और उनके द्वारा ये जो समूची टूर्नामेंट है उसका आप शूटिंग किया जाता है। कल इस मुकाबले को आप यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं दोस्तों, आपको यूट्यूब पर जाना है, दापोली कबड्डी को सब्सक्राइब करना है और ये मुकाबला आपको देखना है यूट्यूब के जरिए। इस समय फिर एक बार रोहित लाडरे आरंभ करते हुए मुरुड़ की तरफ से काफी सफल रेडर अभी तक साबित हुए हैं इस सीजन में, लेकिन यहाँ पर बोनस का प्रयास करना चाहते थे सालदुरे थर्ड रेड मिली और अब सालदुरे की टीम थर्ड रेड पर होगी, यानी कि डू आर डाई रेड। हर हाल में ओजेस खड़ेकर को टच पॉइंट की आवश्यकता है। बोनस लाइन इस समय ऑफ है, दो खिलाड़ी बैकलाइन से बाहर है तो कहीं ना कहीं बैक होल्ड करने का कामयाब, बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली और तीन खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाते हुए ओजेस खड़ेकर इस समय मिड लाइन को क्रॉस करते हुए अब थर्ड रेड चले गए। आउटस्टैंडिंग रेट इस समय ओजस के द्वारा, लेकिन अब देखिए पलटवार करने के लिए तैयार है सुजीत बटावड़े। जिस तरह से प्रदर्शन ओजस खेड़ेकर ने पेश किया था, क्या वही प्रदर्शन सुजीत के द्वारा देखने को मिलेगा? ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, यहाँ पर जो भी टीम जीतेगी सीधा फिनाले में पहुंचेगी। पहले से ही श्रीराम करने की टीम ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, जहाँ पर दो पॉइंट से पराजित किया था पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में अमर भारत टासुर जैसी बड़ी टीम को, जिस टीम ने परसों ही वाकवले के ऐतिहासिक मैदान पर वो चैंपियन का सरताज हासिल किया था। देखा जाए तो तैयार है, देखा जाए तो यहाँ पर एकमात्र खिलाड़ी शेष है और वो भी यहाँ पर बैकलाइन के बाहर जाएंगे, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो सकती है। ये दूसरे हाफ में पहली मरतबा मुरुड़ की टीम ऑल आउट हो चुकी है। पहले हाफ में तकरीबन छह पॉइंट से पिछड़ रही थी, तो दूसरे हाफ की शुरुआत भी काफी शानदार सीमा माता सालदुरे के लिए अभी तक साबित हो चुकी है। सीमा माता सालदुरे के पीछे समीर शेवड़ेसर देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार एज अ पंच के रूप में हमने देखा था, लेकिन इस समय देखा जाए तो शायद एज अ कोच का जिम्मा भी वो संभाल रहे हैं। तो नई नई जो टेक्निकल जो रणनीति होती है वो शायद वो समझाने का काम करेंगे। विपुल सुबह इस समय तैयार होंगे, काफी समय के बाद इस समय वो रेड करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे हाफ में शायद पहली दफा विपुल रेड करने के लिए तैयार है। देखा जाए तो अक्षय सुरवे भी सीमा माता सालदुरे की तरफ से काफी कमाल का खेल खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस दिन वो गोवा में चले गए हैं, जिसके कारण वो इस मुकाबले में नहीं खेल पा रहे हैं। अगर अन्यथा वो महाराष्ट्र में होते तो कहीं ना कहीं वो इस मुकाबले में खेल सकते थे। देखा जाए तो विपुल सुबह ने काफी हद तक प्रयास किया था, लेकिन एम्प्टी नेट का समापन होते हुए और रोहित लाड इस समय दोबारा तैयार होते हुए 11 नंबर की जर्सी पहने हुए छापास खिलाड़ी को लगातार रोका है, लेकिन यहाँ पर बोनस का प्रयास किया था, क्या कामयाबी मिली है? बिल्कुल नहीं। बोनस का रूल्स आपको मालूम है, एक पैर बोनस लाइन
से पार होना चाहिए तो दूसरा पैर उसी वक्त हवा में होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने बोनस पॉइंट के बाहर पैर को लेकर गए तो क्या उसी वक्त उनका दूसरा पैर हवा में था, अंपायर को लगा नहीं था, इसलिए उन्होंने बोनस नहीं डिक्लेयर किया। तो बिल्कुल सही सोच यहाँ पर देखने को मिलती हुई। लेकिन विपुल सुबह यहाँ पर दूसरे हाफ में बार बार लगातार रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पर रेड पर खेलने की उनकी जो मानसिकता है ये बिल्कुल सफल मानसिकता साबित हो सकती है, क्योंकि अगर अग्रेसिव खेलते आक्रामक खेल खेलते तो कहीं ना कहीं पैर संभव हो सकता है। अब मुरुड़ की टीम यहाँ पर थर्ड रेड पर खेलते डू और डायरेक्ट, और यहाँ पर रोहित लाड तैयार होते हुए अपने टीम का ही देखते हुए रोहित को चाहिए पॉइंट, तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखे और यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर थर्ड रेड थी। कहीं ना कहीं रोहित को लगा था कि मैंने श्योर बोनस लिया है, लेकिन अंपायर की मानसिकता बिल्कुल अलग थी, ज्यादा पड़ेगा बैकलाइन के बाहर। बड़ा झटका लगा, वो टैकल को रोकना, वो भी एडवांस टैकल रोकना, तकरीबन खतरा साबित होता हुआ तीन खिलाड़ी इस समय बैकलाइन के बाहर जाते हुए ये सुपर रेड का इशारा किया है। दैट्स द सुपर, दैट्स द आउटस्टैंडिंग, दैट्स द मैग्निफिसेंट रेड अनदर ओजस कनेकर। इस समय बिल्कुल आग उगल रहे ओजस कनेकर, लेकिन क्या मिडलाइन को क्रॉस करेंगे, क्या लॉबी का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर मुरुड के जो रेडर कहते लॉबी का इस्तेमाल किया, मिडलाइन को क्रॉस किया और जाते जाते खिलाड़ी को टच किया था, यकीनन पॉइंट मिलेगा। लेकिन सिंगल के साथ मुरुड की टीम इस मुकाबले में कमबैक नहीं कर सकती। अगर मुरुड की टीम को इस मुकाबले में शानदार कमबैक करना है तो मुझे लगता है अब यहाँ से गेयर चेंज करने की आवश्यकता। इसके पहले लगातार फर्स्ट और सेकंड गेयर पर जो गाड़ी चल रही थी, कहीं ना कहीं टॉप गेयर पर गाड़ी चलाने की आवश्यकता है। देखा जाए तो पटरी पर गाड़ी को रंपम चलाने की जरूरत, लेकिन वो खेल कौन खेलेगा, रोहित लाड आज कामयाब नहीं हो पा रहे, बिल्कुल खामोश रहता रोहित को, तो वो कौन सा खिलाड़ी होगा। आपण या ठिकाणी उपस्थित आपल्याला विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हावं, तसेच विजयजी चौसाळकर आपल्याला सुद्धा विनंती आहे की कृपया आपण व्यासपीठावरती उपस्थित व्हावं। मोलाचं सहकार्य तुमचं नेहमीच या आई पद्मावतीच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला लाभलेलं आहे। हे समय आर्यन करदेकर तयार है, चतुराई का प्रदर्शन आर्यन करदेकर के द्वारा हमने कई बार देखा है। कद भले ही छोटा हो लेकिन फाइट बड़ी देते हैं, वही जाबाज खिलाड़ी शेरदिल खिलाड़ी आर्यन करदेकर इस पर्व में काफी बेहतरीन फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। सिलेक्शन हुआ था रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट टीम के अंदर, पुणे के बालेवाड़ी मैदान पर वो जाकर खेल चुके हैं, जहाँ पर प्रो कबड्डी के काफी टूर्नामेंट हमने देखे, मुकाबले देखे हैं, और उसी बालेवाड़ी के मैदान पर जाकर इस खिलाड़ी ने अपने रंग बिखेरे थे, तो काफी तजुर्बा है, काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव उनके पीछे काफी कमाल कर रहा है, तो उसका इस्तेमाल आज आर्यन करदेकर जरूर करेंगे। डिफेंस में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन आर्यन के द्वारा, और जब बीच बीच में रेड करने की जो जिम्मेदारी आई उनके कंधों पर वहां पर भी सफल साबित हुए थे। थर्ड और अंत देखिए, यहाँ पर बोनस पॉइंट मिला, लगातार प्रयास कर रहे थे रोहित लाड बोनस पॉइंट हासिल करने का, लेकिन इस बार कामयाबी मिली, लगातार हो रहे निराश नहीं होना चाहिए, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, और अंत में यहाँ पर सफलता मिली। ये देखिए ओजस कनेकर, शायद उन्हें मालूम है मैंने टच पॉइंट दिया है, आप मुझे यहाँ पर जल्दबाजी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, बड़ी आसानी के साथ मिड लाइन की तरफ आए, एक ही जगह पर खड़े खड़े रहे, पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल किया, और जब 2 या 3 सेकंड बाकी थे उसी वक्त वो अपने कोर्ट में चले गए, और अब पलटवार करने के लिए मुरुड की तरफ से 11 नंबर आने की रोहित तैयार थे। इस बार कामयाबी नहीं मिली, प्रयास जरूर किया था बोनस का, लेकिन विपुल सुरभे के हाथों तले बोनस पॉइंट लेना इतना आसान नहीं हो सकता। विपुल अक्सर कहते मेरा हाथ हाथ नहीं, ये फांसी का फंदा होता है, अगर एक बार रेडर प्रयास करता है तो सीधा बैकलाइन के बाहर जाने का संभव होता है, इसीलिए जो लगातार प्रयास कर रहे रोहित लाड उसे कामयाबी नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच मन के अंदर जरूर होता है, दोहरी मानसिकता रहती है कि चलो बोनस का प्रयास करना है या नहीं करना चाहिए, ये दुविधा मानसिकता लगातार रोहित के द्वारा हमने देखी है। ओजस कनेकर इस समय रेड का जिम्मा संभाल रहे हैं। जय वेलकम, सुस्वागत, दोबारा स्वागत है, मैं सागर तहदिल से यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलते मैदान तरफ, जहाँ पर कवर का डिफेंडर्स थोड़ी से जल्दबाजी के मूड में, लेकिन यहाँ पर गलतियां अलाउड नहीं हो सकती, देखा जाए तो यहाँ पर तैयार थे रोहित लाड, बोनस पॉइंट यहाँ पर मिला है रोहित को,
जो कि सफल साबित हुआ। अंपायर ने इस समय एक्सेप्ट किया, यस आखिरकार आपको बोनस पॉइंट जरूर मिला है, लगातार प्रयास कर रहे थे और अंत में जाकर इस बार भी कामयाबी मिली, लेकिन वो जिस खेड़कर अनुशासन के साथ इस समय खेलने का प्रयास। हेलो, या ठिकाणी स्पर्धेच्या निमित्ताने आम्हाला आलेले मान्यवर आहेत जनार्दन राणे यांचा या ठिकाणी आम्ही यथोचित सन्मान करत आहोत। मी आमच्या गावचे पोलीस पाटील यांना विनंती करतो, आपण यांना त्रिफल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। सो दोस्तों यहां पर लास्ट संपायला शेवटची 5 मिनिटं, भैरवनाथ मुरुड 9 गुण, सीमामाता सांदुरे 23 गुण, 23-9, 9-23, यानी तकरीबन 14 वर्ल्ड कप असला होगा। तसेच सांदुरे थोडे सुपुत्र विजयजी तौसालकर आम्हाला शिमग्यामध्ये जे खालूबाजाची आम्हाला चांगल्या पद्धतीने दिलेल्या कायमात आम्हाला ढोल उपलब्ध करून देतात असे विजयजी तौसालकर त्यांना यांचा या ठिकाणी आम्ही त्रिफल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा या ठिकाणी आम्ही सन्मान करत आहोत। मी आमच्या गावचे अध्यक्ष संतोषजी धोत्रे, आपण विजयजी तौसालकर यांना त्रिफल व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचाही या ठिकाणी सन्मान करायचा आहे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। यहाँ पर आखिरी 4 मिनट रिमेनिंग है, तकरीबन मुकाबला सीमा माता साधुरी के पक्ष में जाता हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल शानदार एंकल होल्ड किया था। अगर यही खेल शुरुआत के मिनट में देखने को मिलता तो कहीं ना कहीं मजा आ सकता था, मुकाबला पहले से भी पागल की तरफ रोमर्शक हो सकता था, लेकिन इस बार देखिए कामयाबी मिली, बोनस का इशारा किया। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे विपुल सुरवे, लेकिन अंपायर की सोच बिल्कुल यहाँ पर अलग थी, बोनस का इशारा किया और बाद में पलटवार करने के लिए ओजस खेड़ेकर तैयार, पूरी तरह से घिसीट कर लेके थे पीछे की तरफ, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। इस समय ग्रीन कार्ड दिखाया था, सो दोबारा इस मुकाबले में गलती नहीं कर सकते। देखा जाए तो काफी डीप चाहते हुए टच पॉइंट लेने की सोच हो सकती है, विपुल सुरवे की तरफ से आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन क्या रोहित कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नहीं इस बार तो बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा था रोहित के ऊपर। आखिरी 3 मिनट रिमेनिंग है, यानी कि 3 मिनट का खेल शेष है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के जो खिलाड़ी है उनको आजमाने का प्रयास हो सकता है, भले ही ताकत ना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए पैर फिसलता हुआ, इस समय डिफेंडर्स के सिकंजे से बचने का प्रयास करना चाहते थे, पैर फिसल गया, गिर गए थे, ये गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो रोहित लाड़ी इस मुकाबले में बचे हुए 3 मिनट के खेल में अब आक्रामक रवैया अपनाते हुए, विपुल सुरवे इस समय राइट कॉर्नर पर मौजूद है, ओजस खेड़ेकर जैसा एक बड़ा खिलाड़ी इस समय आखिरी बचे हुए मोमेंट पर जो कि बैकलाइन के बाहर है, शुरुआत के मिनट से ही अगर ओजस को लगातार बैकलाइन के बाहर रखते तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले को काफी रोमर्शक बनाते हुए देखने को मिल सकती थी मुरुड की टीम, लेकिन ये थोड़ा सा मुकाबला एक तरफा रहा था। आखिरी 5 मिनट का जब खेल शेष था, लास्ट 2 मिनट रिमेनिंग, यानी कि 2 मिनट अभी भी शेष है, क्या पलटवार हो सकता है, आर्यन करते कर क्या यहाँ पर निकल जाएंगे, पूरी तरह से डुबकी लगाना चाहते जिस तरह से पटना के लाल, इसके बाद साधुरी की टीम को टाइम आउट नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर टाइम आउट समाप्त हो चुके हैं, अब अनुशासन के साथ खेलना पड़ेगा बचे हुए 2 मिनट के खेल में। यहाँ पर देखिए मुरुड की तरफ से रोहित लाड जो लगातार बार बार हर बार रेड कर रहे, लेकिन इस बार ओजस को नहीं, ओजस तो पहले से बाहर थे, विपुल को निशाना बना दिया, अब जाना पड़ेगा विपुल को पॉइंट टेबल की तरफ अगर नजर डालेंगे तो पॉइंट टेबल क्या बताता है, 16 पॉइंट पर खेल रही है मुरुड की टीम, जबकि दूसरी तरफ 29 पॉइंट, यानी कि फासला अभी भी ज्यादा है, बचे हुए 2 मिनट है उसमें और एक बार ऑल आउट देने की आवश्यकता, आखिरी 1 मिनट का खेल शेष है, क्या यहाँ पर ऑल आउट हो सकती है,
अगर यहाँ पर एक बार आउट हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा, दोबारा ऑल आउट करना पड़ेगा मुझे वो एक मिनट के खेल में। यानी कि वो नबी बख्श वाली रेड आपको याद होगी, जो स्टार प्रो कबड्डी सीजन 8 का मुकाबला हमने देखा था, नबी बख्श ने बिना किसी खिलाड़ी को टच किए बिना 7 खिलाड़ियों को बैकलाइन के बाहर भेजा था। आज वो रेड करने की आवश्यकता है ताकि इस मुकाबले में कमबैक हो सकता है। अगर कोई चमत्कार हो जाएगा तो कमबैक है, अन्यथा सीमा मता सालदोरे की टीम तकरीबन इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुकी है और वहां पर उनका मुकाबला हो सकता है श्रीराम करदे के खिलाफ। क्या कमाल का मुकाबला होने की संभावना है देखा जाए तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे 30 सेकंड का समय इस्तेमाल किया और यहाँ पर अब और एक रेड करने का मौका मिलेगा। ये देखिए विपुल ने खुद को सरेंडर किया था, यहाँ पर पॉइंट दिया और अब क्या यहाँ पर देखा जाए तो 3 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रेड करने के लिए गए। तकरीबन ये इस मुकाबले की आखिरी रेड हो सकती है, इसके बाद अगर क्या रेड करने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रेड करने का मौका मिलेगा, शायद फसल की बस लग जाएगी जो ऑपरेटर हमारे तैयार थे। लेकिन यहाँ पर क्या उठा सकते हैं, क्या उठा पाएंगे, लेकिन रेडर भी मंजा हुआ है, ये जो ऑपरेटर भले ही चाहेंगे उठा लो लेकिन नहीं उठा पाएंगे। ये देखिए मिलन को क्रॉस किया, 2 पॉइंट का हिसाब और